हजारों हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मित्रों, हम अपनी ओर से सबसे पहले भारत सरकार के सभी माननीय मंत्री, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ इस बार शपथ ग्रहण किया, वैसे सभी आदरणीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी, श्री ललन सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी और श्री राजभूषण निषाद जी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये हम सब लोग ने जो अथक परिश्रम मेहनत किया और बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिला, उसके कारण 60 वर्षों के बाद इस देश में इतिहास फिर दोहराया गया। जब 60 वर्षों के बाद कोई सरकार और कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये 60 वर्षों के बाद हुआ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब लोगों के बीच भारत सरकार के पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी भी उपस्थित हो गए हैं। एक बार मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, ललन जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। मैं ये कह रहा था कि 60 वर्षों के बाद इस देश की राजनीति में फिर वैसा अवसर आया जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुआ। और यह जो सरकार बनी 292 लोकसभा में एनडीए के हमारे सांसद जीत के आए, उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल है। बिहार में 40 में से 30 सीटों पर बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट दिया और 30 सांसदों को जिता के बिहार से भेजा है। और जो वर्तमान में एनडीए की सरकार बनी है, उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, बिहार में एनडीए को कुल 2,04,59,322 वोट मिला है। और यह जो एनडीए को वोट मिला, ये कुल जो मत पड़े हैं इस बार, उस मत के 47.25%, मतलब 47.25% वोट एनडीए को मिला। और जो इंडी गठबंधन है, जो बड़ी बड़ी बात जो लोग करते थे और जिसके नेता बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आजकल वो देश छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो देश से बाहर जा चुके हैं। और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि देश के कुछ राजकुमार चुनाव परिणाम आने के बाद छुट्टी मनाने बाहर चले जाएंगे, तो छोटे राजकुमार जो बिहार वाले हैं, वो बाहर चले गए हैं। और बड़े वाले राजकुमार भी बहुत जल्दी देश से बाहर कहीं छुट्टी मनाने जाने वाले हैं, क्योंकि देश की जनता ने निर्णय ही ऐसा दिया कि आप लोग छुट्टी मनाइए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम करने वाला एनडीए का गठबंधन है, उसी गठबंधन के लोग देश की सेवा करेंगे। और ये आज ऐसी स्थिति बनी है तो इंडी गठबंधन को बिहार में केवल 1,69,00,000 ही वोट मिला और कुल 39% ही वोट इंडी गठबंधन को मिला, 8% अधिक मत इस बिहार के अंदर में बिहार की जनता ने हमको दिया। और कुल जो 243 विधानसभा है, उस 243 विधानसभा में 175 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त बिहार की जनता ने दी है। और संदेश साफ है 2025 का कि 2025 में भी बिहार में फिर एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने वाली है। तो बिहार की जनता का बहुत समर्थन मिला और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार का पूरा सम्मान किया है, बिहार को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है। हमारे राज्य को, हम सब लोगों को गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में 8 स्थान दिए, 8 मंत्री को आज मोदी जी की सरकार में जगह मिला। बिहार को बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व, दिल बहुत बड़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें
कि उन्होंने इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हम सब लोग को दिया। और समाज में जीने के लिए क्या चाहिए होता है? भोजन, वस्त्र और आवास और सुरक्षा। तो भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, सब कुछ बिहार को मिला है। ललन बाबू जो हम सब लोग के बीच बैठे हैं, उनको जो विभाग मिला है वह विभाग कृषि से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, मत्स्य पशुपालन है, और मत्स्य पशुपालन के साथ साथ ललन बाबू को पंचायती राज की भी जिम्मेवारी मिली है। मतलब गांव और किसानों का विकास, और किसानों के विकास के लिए साथ में जो अन्य विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, चिराग पासवान जी को फूड प्रोसेसिंग दिया, मतलब खाद्य प्रसंस्करण के अब उद्योग लगाने के अवसर बिहार को और मिलेंगे। और रामनाथ ठाकुर जी तो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री बने। मैं उस विभाग का बिहार सरकार में मंत्री हूं और वो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री। किसानों के विकास की पूरी चिंता और किसानों से संबंधित उद्योग आगे बढ़े इसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। और भोजन के बाद वस्त्र का जरूरत पड़ता है, तो अब तो गिरिराजदा टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गए हैं। तो अब तो बिहार के लोगों को पूरा पहले ही से कपड़ा था, अब और कपड़ा मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम लोग को मिलेगा। और कपड़ा ही नहीं मिलेगा, अभी दादा बता रहे थे अब कपड़ा का उद्योग भी लगाने का व्यवस्था दादा के नेतृत्व में बिहार में आगे बढ़ेगा। तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आदरणीय जीतनराम मांझी जी को उद्योग का काम मिला है, आदरणीय मांझी जी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मिला, तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग बिहार में उद्योग भी लगाएंगे। नित्यानंद जी को पहले ही से सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, एक बार फिर से मोदी जी ने उनके जिम्मे फिर से उस गृह राज्य मंत्री की जिम्मेवारी दी और सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। और जब भोजन वस्त्र हो गया तो आवास की चिंता तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 करोड़ भवन इस बार इस सत्र में बनने वाला है, इस 5 साल में। तो बिहार को तो लगभग 30 लाख का कोटा ऐसे ही आने वाला है। तो आवास भी पूरा अगले 5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनाने का काम करेंगे। और जल और खान ये दोनों भी बिहार को मिला है। जल शक्ति मंत्री भी यहाँ बैठे हैं और खान भूतत्व मंत्री भी बैठे, मतलब संपूर्ण तरीके से बिहार का विकास हो सके इसकी पूरी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और वैसे सभी विभाग बिहार को दिए हैं जिससे बिहार में आगे आने वाले दिनों में रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, विकास होगा, हम बिहार को विकसित राज्य बनाने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से हम सब आज इस अभिनंदन समारोह में इस बात का भी संकल्प लेंगे कि 2025 में बिहार में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर से मजबूती के साथ बिहार की जनता का सेवा करेगी और एनडीए की सरकार का गठन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वह अहंकार में है, 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, सीधे 1 पर गिरता है। इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हम सबको आक्रमक होके 2025 की तैयारी करनी है। और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए हम इनका नाम, तो यही हमको चिट्ठा दिए थे इसलिए इनका नम्मा उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।